कौरव जलाशय योजना जो एक ज्वलंत मुद्दा है, लोगों की समस्या है, क्षेत्र में घूमने पर हर कोई का एक ही मांग है इस क्षेत्र का, विश्रामपुर प्रखंड और नावा प्रखंड के बीच सयान पर कौरव जलाशय योजना है और क्षेत्र में घूमने पर लोगों की एक ही मांग है कौरव जलाशय योजना। आज हम बात करते हैं एक समाज सेवी शिक्षाविद अशोक पांडे जी हैं जो क्षेत्र में घूमते हैं, इनसे बात करते हैं कौरव जलाशय पर, जो कौरव जलाशय योजना आखिर अब तक जो स्वर्गीय बिंधेश्वरी दुबे के द्वारा शिलान्यास किया गया था, लोग कयास लगाए हुए बैठे थे जे आज न कल इसकी कायाकल्प होगी, लेकिन अभी तक आखिर क्या समस्या है जो कौरव जलाशय योजना पूर्ण नहीं हो रहा है। हम बात करते हैं शिक्षाविद अशोक पांडे से। सर बताया जाए, कौरव जलाशय योजना इतनी विकास की काम सरकार के माध्यम से की जा रही है, जहाँ तक बड़े बड़े काम को धरातल पर लाया जा रहा है, लेकिन यह कौरव जलाशय योजना जिससे काफ़ी लोग खुशहाल होंगे, करीबन हम देखते हैं जो एक बड़ी आबादी सिंचित करने के लिए जो है कौरव जलाशय योजना हो जाती है तो लाभान्वित होगी, इस पर आपका क्या कहना है? पूर्व मुख्यमंत्री बिंधेश्वरी दुबे 1987 में इसका शिलान्यास किए थे और लोगों को जगह था, आयास जगह था कि अब हम लोग के लिए 20 गांव सिंचाई के रूप में हम लोग अस्थिर रहेंगे जी। और मजदूर का भी पलायन रुक जाएगा, जल स्तर भी बढ़ जाएगा, इतनी सुखाड़ है कि अब जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि लोग एक चापाकल से 10 घर के लोग पानी पी रहे हैं, ये स्थिति बन गई है। अगर कौरव जलाशय योजना की काम इसका हो जाता है तो हम लोग को बहुत आशा थी, हम लोग के सिंचाई के रूप में हम लोग अस्थिर रहेंगे जी। और मजदूर का भी पलायन रुक जाएगा।